दिल्ली में CAA के खिलाफ संग्राम का दूसरा मोर्चा खोल दिया गया और अब ये धीरे धीरे कांग्रेस सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों के सहयोग से जारी विरोध प्रदर्शन टकराव के दौर में पहुंच गया है। एक तरफ समर्थक और दूसरी तरफ विरोधी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है जो न तो शाहीन बाग को पसंद आएगा, न चांद बाग को, न राहुल गांधी को और न अरविंद केजरीवाल को। खबर ये है कि अब देश में छुपे रोहिंग्याओं ने अपने फर्जी आधार कार्ड वापस करने शुरू कर दिए हैं। तेलंगाना में करीब 127 रोहिंग्या मुसलमानों ने अपने फर्जी आधार कार्ड वापस करने की पेशकश की है। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या समुदाय के लोगों को स्थानीय लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनवाने में मदद की ताकि वे अपनी पहचान छुपा पाएं। हालांकि इन लोगों ने ऐसे ही अपना फर्जी आधार कार्ड सरेंडर करने की पेशकश नहीं की है। दरअसल आधार कार्ड इंडिया अथॉरिटी ने इन लोगों को नोटिस जारी किया था। हैदराबाद में फर्जी आधार कार्ड वालों को नोटिस मिलने के बाद बाकी सारे डर गए हैं। रोहिंग्या समुदाय में इस बात का डर है अब उन्हें देश से बाहर निकाला जा सकता है। जानकार बताते हैं कि शरणार्थियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अवैध तरीके से अपना कर फर्जी आधार कार्ड हासिल किए। रोहिंग्याओं को नोटिस मिलने का मसला गर्मा गया है। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि भारत विशेष पहचान प्राधिकरण ने जिनको नोटिस जारी किया है उनके पता ठिकाने पर उनको संदेह था, यही वजह है कि उन लोगों को नोटिस जारी किया गया। यह पहली बार नहीं है जब रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़े जाने का मामला सामने आया है। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों से कई बार रोहिंग्या शरणार्थियों के अवैध पहचान पत्रों के कारण पकड़े जाने की खबरें आती रही हैं। विशेष रूप से उत्तर पूर्व के राज्यों से ऐसी खबरों में तेजी से आई है। मणिपुर और असम से रोहिंग्या समुदाय के लोगों द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनवाने की खबरें प्रमुखता से आती रही है। बांग्लादेशी हो या फिर रोहिंग्या शरणार्थी, आधार कार्ड बनवाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेंट एग्रीमेंट का करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों से इतर राजस्थान में भी फर्जी पहचान पत्रों के मिलने की खबरें आती रही हैं। राजधानी जयपुर से 56 फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य पहचान पत्र बनवाए जाने संबंधी खबरें आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।